हेलो दोस्तों, कैसे हो? माय सेल्फ दीपक भोला, टीम फिजिक्स सीएलसीसी कर। देखिए बेटा, अपना दंगल का कारवां बढ़ते बढ़ते आज अपन 9 दंगल पहुंच गए हैं। 10 में से अब एक दंगल और बचा हुआ आपका। और आज देखिए डेट आपकी हो चुकी है 13 जुलाई। मात्र 4 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है? अब ये आखिरी के कुछ दिन बचे हुए, 2-4 दिन जो भी हैं, अब इनमें केवल आप अपना स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखें और अपनी मानसिक स्थिति बैलेंस रखिए, ठीक है? आप काफी अच्छा स्कोर करेंगे नीट के अंदर। ये मेरी दुआएं हैं और मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है? घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरी पूरी टीम जो सीएलसी है, सीएलसी पूरी टीम सीएलसी की तरफ से आपको काफी शुभकामनाएं। आप बढ़िया करें, अच्छा करें। तो चलो आज जंगल 9 का अपन करते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या है पेपर। देखिए बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर रहे हैं और दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है। तो बेटा देखो, यहाँ पे इसमें अपन देखें फॉर्मूला जो होता है आर इजक्वल टू क्या होता है बेटा, आर इजक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है? उसको अपन लिखते हैं रूट ऑफ टू एम ई अपॉन क्यू बी, ठीक है? ये होता है फॉर्मूला। अब यहां से आप देखें, इस फॉर्मूला अकॉर्डिंग अपन सोचें तो यहाँ पे ई यहाँ पे सेम है चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या रहा बेटा, रूट ऑफ ई, आर इज सॉरी प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है? यहां पे हम देखें आर इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम है। तो यहां पे प्रोटॉन का मास यहां पे हम जानते ज्यादा होता है, ठीक है? प्रोटॉन का मास ग्रेटर होता है, इसलिए आर पी ग्रेटर देन क्या होगा, आर इलेक्ट्रॉन, ठीक है? एंड जो कर्वेचर है, कर्वेचर इज प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r, कर्वेचर इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ रेडियस, ठीक है? तो यहां पे जिस प्रोटॉन के लिए हम देख रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ग्रेटर है, इसलिए इसकी कर्वेचर की वैल्यू सी कर्वेचर है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कर्वेचर जो है बेटा, कर्वेचर किसकी, प्रोटॉन की क्या आएगी, लेस आएगी, सी इज लेस देन ई, सी पी इज लेस देन सी ई, तो कौन सा आ गया, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन इज लेस कर्व्ड, ठीक है? तो यहां से यह आ गया ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन इज लेस कर्व्ड, ठीक है? तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए अपन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे बोला है कि 3 इस तरह से मैग्नेट्स हैं, आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स, इनका हमें एम नेट निकालना है। तो देखिए ये एस एन, इसका एम इस तरफ होगा एम, ठीक है? एस, क्योंकि एम की डायरेक्शन क्या होती है, एस टू एन, इसका आएगा इस तरफ ये एम, और बेटा एस टू एन, इसका आएगा एम इस तरफ। तो देखिए ये 3m है, तीनों इक्वल है और एक साइक्लिक डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है? तो यहां पे इनका एम नेट जीरो है, क्योंकि एक चक्रीय डायरेक्शन लग रहे हैं, साइक्लिक डायरेक्शन में तीनों इक्वल है, तो यहां पे एम नेट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ओके? तो क्या गया आंसर इसका, फर्स्ट। चलो अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन थर्ड में ए प्लेयर कैच अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, ठीक है? क्रिकेटर मतलब प्लेयर कैच कर रहा है बॉल को। अब यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, कितनी दी है 20 मीटर पर सेकंड। आपसे कह रहा है कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकंड, मतलब बॉल को कैच कर रहा है तो 0.1 सेकंड में बॉल उसके हाथ के कॉन्टेक्ट में रहती है और स्टॉप हो जाती है, ठीक है? तो आपको बता रहा है कि इसके हैंड पर कितना फोर्स अप्लाई होगा ये हमें बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखे से निकालते हैं एफ इजिकल टू डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है? न्यूटन जो सेकंड लॉ है ना, न्यूटन का द्वितीय नियम से निकालते हैं डेल पी अपॉन डेल टी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा बॉल का, एम वी, कि बॉल पहले मूव कर रही थी बाद में स्टॉप हो गई है तो मोमेंटम पूरा ही रुक गया है, ठीक है? तो एम इन टू वी डेल्टा टी यहाँ पे टाइम टेकन। अब यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, एम कितना दे रखा है 150 ग्राम, वेलोसिटी आपको गिवन है 20, तो ये 150 ग्राम मतलब 150 × 10⁻³, ठीक है? वेलोसिटी आपको गिवन है 20, ये रख देंगे 20, डिवाइड बाय टाइम इज 0.1, तो यहां से इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 30 न्यूटन, ठीक है? तो इस तरह अपने सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, वन एंड ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल, ठीक है? एल लेंथ का एक वायर है, ठीक है? उस पर यहां से हमने कोई डब्ल्यू, उस वायर का वेट आपको लेंथ एल, वेट डब्ल्यू दिया हुआ है, और इसके नीचे हमने एक W1 वेट सस्पेंड किया हुआ है कुछ इस तरह। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये वायर है, ठीक है? नीचे अपने यहाँ पे W1 वेट सस्पेंड किया हुआ है, W1, ठीक है? और इस पूरे वायर का वेट कितना है, W है। अब यहाँ से कह रहा है कि हाइट 3L/4, मतलब यहाँ पे इस जगह यहाँ से 3L/4 हाइट है इसकी, 3L/4 हाइट। तो आपको इस पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करना है,
स्ट्रेस की वैल्यू। तो बेटा यहां पे इस जगह जो फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि लेंथ 3L/4 है, तो इसी रेशियो में यहां वेट भी होगा इसका, इस रॉड का वेट कितना आएगा, 3/4, 3/4 टाइम्स ऑफ W, 3/4 W इसका वेट हो गया। तो इस पॉइंट पर जो टोटल फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब वेट कितना है टोटल वेट, ये 3, ये W1 तो ही सही, नीचे जो लटक रहा है W1, ये बॉडी का वेट, उसके अलावा कितना है 3W/4 यहां पे एक्स्ट्रा है टोटल फोर्स। तो यहां से आप देख सकते हैं इसमें F इज इक्वल W1 प्लस 3W/4 टोटल फोर्स हो गया। अब हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो रख दो उसमें। तो कौन सा आंसर आ गया इसका, सेकंड, ये आ जाएगा सेकंड, नहीं सेकंड, थर्ड, W1 प्लस 3W/4 इनटू S। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फाइव ये रहा, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड 2 × 10⁻²⁰ kg ऑफ नाइट्रोजन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। कॉन्स्टेंट प्रेशर पे बच्चों जो गिवन हीट होती है μCpdT, ये होता है डेल क्यू इक्वल टू, क्या अप्लाई करेंगे, μCpdT मतलब डेल्टा टी। तो यहां से देखो म्यू आपको यहां पे 2 × 10⁻²⁰ kg मतलब 20 ग्राम गिवन है, तो म्यू इक्वल टू होता है m/mw, मास ग्राम में रखते हैं, और mw कितना है इसका नाइट्रोजन का, 28। ठीक है, अब बच्चों सीपी देखिए, सी वी की वैल्यू होती है Fr/2, आपको पता होता है CV इज इक्वल टू होता है बेटा Fr/2। ठीक है, Fr/2, तो F नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है, F कितना है 5, तो यहाँ पे ये तो CV, और CP अगर आपको फाइंड करना है तो R प्लस, ठीक है, R प्लस क्या कर देंगे इसके अंदर CV, तो R प्लस CV से कितना बनता है 7R/2 बनता है ये। ठीक है, तो यहां से CV की वैल्यू, CP रख दो 7R/2, 7R, R कितना बेटा 8.31/2, और डेल्टा टी आपको गिवन है 45, ये रख देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 934 जूल, ये सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे आए क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए क्या कह रहा है, ये ग्राफ गिवन है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, इसका आपको करेक्ट प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाना है। देखो तो बेटा यहाँ पे इसके अंदर देखें, इसमें यहाँ पे आप गौर देखिए, इसमें जो ग्राफ है, चलो सी से ए तक की बात करें अपन, ये सी से ए तक के लिए, सी से ए तक के लिए ग्राफ में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट सी टू ए में टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर के परपेंडिकुलर ग्राफ है, तो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, यहां से प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, 1/वॉल्यूम, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आप जानते हैं पी प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है, तो देखिए इसमें सी से ए तक ग्राफ कैसा आना चाहिए, सी से ए तक पी एंड वी का इनवर्स, तो यहां से सी से तक ये वाला इनवर्स ग्राफ आ जाएगा, बस इससे अपन टिक कर सकते हैं, ये आ जाएगा ये हाइपरबोलिक जो इन्वर्स रिलेशन ना, इन्वर्स रिलेशन में ये आ जाएगा सी से ए तक का ग्राफ। ओके, चलो अब आते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि रॉकेट है। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्पीड 200 मीटर पर सेकंड गिवन है टूवर्ड्स ए स्टेशनरी टारगेट। क्लियर, आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो 100,000 मतलब 1,000 के अलावा अदर फ्रीक्वेंसी आएगी वो उसको कितनी ऑप्टेन होगी, मतलब जो टारगेट है सामने लक्ष्य है वहां से जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट हो गया आएगी, तो वही आपको परावर्तित आवर्ती फाइंड करनी, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो बेटा देखो यहां पे इस तरह से ये सामने टारगेट है, यहां पे इस जगह ये इस तरफ मूव कर रहा है सोर्स। ठीक है, और जो हमें यहां पे रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम इसके अंदर कैसे इसकी इमेज बनाते हैं, एस कि जो इमेज बनेगी ये बनेगी, और यही बच्चों ऑब्जर्वर है, क्योंकि यहां पे ठीक है ऑब्जर्वर भी यही पे ही है, प्रेक्षक। ठीक, ऑब्जर्वर यहां पे, सोर्स यहां पे, तो इसकी इमेज बन गई, ये जो इमेज है यही इमेज किस क्या शो कर रही है, एज ए सोर्स। ठीक है, सोर्स ऑफ रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी, रिफ्लेक्टेड सोर्स ऑफ रिफ्लेक्टेड, तो यहां से जो परावर्तित साउंड है उसका रिफ्लेक्टेड सोर्स कौन है, ये, और ये अपना ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पे देखिए दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे 200 है, ये भी 200 है, ये भी 200। ठीक है, तो यहां से देखो दोनों एक दूसरी तरफ आ रहे हैं, सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे आ रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है एन डैश, रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एन इंटू वी प्लस यू अपॉन वी माइनस यू, ये आएगी। और यहाँ पे साउंड वेलोसिटी आपकी माने 330 रख दो, ठीक है, ऑब्जर्वर वेलोसिटी कितनी रखिए 200, ये रख दो, तो यहां से सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 4080। ठीक है, चलो आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8
आपसे कह रहा है कि इस तरह से एफ वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ गिवन है, सॉरी टाइम ग्राफ है, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, आपको चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है। तो बेटा देखो, चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो होता है एफ डेल्टा पी इज इक्वल टू, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है एफ डी टी के इक्वल, ये अपन जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ को हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी, ठीक है, मतलब एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, ठीक है, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ का एरिया आपको लेना है, ठीक है, एफ टी ग्राफ का लेना आपको एरिया। तो यहां से बेटा इस पूरे ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो जितना यहां जो माइनस है ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो इस पूरे ग्राफ का जितना एरिया प्लस है उतना माइनस में, तो नेट एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो नेट एरिया जीरो आ रहा है, मतलब क्या आएगा आंसर इसका, ये जीरो। ओके चलो आए क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है टू सक्सेसिव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप आर दिस, एक ओपन पाइप है, ठीक है, इसकी जो सक्सेसिव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ये आपको दे रखी है, मतलब क्रमागत आवृत्ति आपको दे रखी है, ठीक है, और आपको स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये गिवन है, आपको लेंथ ऑफ ट्यूब फाइंड करनी क्या होगी। तो चलो आप देखते हैं जो ओपन ऑर्गन पाइप है इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है, यहां पे वी अपॉन 2L, ठीक है, कॉमा 2V अपॉन 2L, कॉमा 3V अपॉन 2L, कॉमा 4V अपॉन 2L, कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए 1:2:3:4 इस तरह से आप जानते हैं ओपन ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी 1:2:3:4 में होती है, मतलब हर प्रकार की सन्नादियां मिलती है, ठीक है, एवरी हार्मोनिक्स यहां पे आपको ऑप्टन होते हैं। तो यहां से देखिए कोई सी भी दो ले लो जो आपकी इच्छा हो, तो यहां से देखें कोई से भी टू जो सक्सेसिव वाली है इनका जो डेल्टा एन आएगा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करिए तो क्या आएगा वी अपॉन 2L, कोई सी भी दो ले लो जो आपकी इच्छा हो, तो वी अपॉन 2L, ठीक है, कोई सी भी टू का जो डिफरेंस है वी अपॉन 2L है। अब यहां पे आपको जो फ्रीक्वेंसी रखी है ये दोनों रखी है, इनका डिफरेंस निकाल लो 2592 माइनस 1944। अब जो यहां पे v वेलोसिटी गिवन है 324, ठीक है, अपॉन में लेंथ हमें फाइंड करनी है 2L। अब जो इसको सबट्रैक्ट कर दो कितना आ गया 648, ये तो आ गया 648 इज इक्वल टू 324 अपॉन 2L। तो यहां से L कैलकुलेट कर लो तो L आ जाएगा 1/4, तो यहां से L आप निकालेंगे L इज इक्वल टू आएगा 1/4 मीटर, 1/4 मीटर मतलब 25 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका रिजल्ट। ओके चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, वन कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, विद दिस स्पीड एंड रिमेनिंग 2/3 डिस्टेंस विद दिस स्पीड, ठीक है, कार चल रही है अपनी पूरी यात्रा का 1/3 उसकी चाल ये होती है 20 और अगले 2/3 में इसकी चाल ये होती है, तो हमें क्या निकालनी है इसकी औसत चाल निकालनी है एवरेज स्पीड। तो देखिए v एवरेज आप जानते हैं क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है, ठीक है, v एवरेज। अब टोटल डिस्टेंस जैसे मान लो टोटल डिस्टेंस कितनी, मान लो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस 1 मीटर है, सपोज टोटल डिस्टेंस 1 मीटर कितनी भी तो आप s ले लो टोटल, चलो टोटल डिस्टेंस यहां पे टोटल डिस्टेंस मानी मैंने टोटल डिस्टेंस है 3 मीटर, तो पहले 1 मीटर जो चला 1 मीटर, फिर बाद में कितना चला बेटा 2 मीटर, टोटल डिस्टेंस मैंने मान ली 3 मीटर है, तो पहले 1 मीटर बाद में 2 मीटर, तो 1 मीटर ट्रेवल करने में टाइम कितना आएगा, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो 1 मीटर एंड स्पीड कितनी है 20, ठीक है, फिर उसके बाद आगे देख लें अपन t2, तो यहां पे डिस्टेंस कितनी है, यहां पे डिस्टेंस 2 है अपॉन यहां पे स्पीड कितनी है 60, ठीक है, ये रख दिया अपन ने 1+2/1/20। अब यहां पे इसको सॉल्व कर लो, तो यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने पे ये रिजल्ट कितना आएगा 36, ये आ जाएगा इसका आंसर 36, मतलब 4th आई हो में, तो ये इसका रिजल्ट आ गया 36। ओके चलो अब आए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, देखिए यहां पे आपसे कह रहा है कि एक बॉम्ब है इसका मास 3.0 ये 2 पीसेस में एक्सप्लोड हो रहा है जिसका मास 2 एंड 1 है, छोटे वाले की स्पीड दे रखी 80, तो पहले हम बड़े वाले की स्पीड निकालते हैं क्या है, और हमसे पूछा कि टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई वो निकालनी है, तो पहले यहां पे लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से आप देखेंगे कि यहां बेटा m1 v1 = m2 v2 करते हैं, तो यहां से
देखिए m1 v1 is equal to m2 v2 के अकॉर्डिंग हम देखें m1 छोटे वाले का मास कितना दे रखा है 1 kg, इसकी स्पीड कितनी है 80, ठीक है। बड़े वाले का मास 2 kg है, इसकी स्पीड पता नहीं है, निकाल लेते हैं। तो v2 कितना आ गया 40, मतलब बड़े वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाली 40। अब आपको निकालना है टोटल एनर्जी, तो ई टोटल अगर आप निकालेंगे तो ई टोटल इज इक्वल टू, दोनों के लिए एनर्जी ऐड कर दो, मतलब हाफ m1 v1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा ये 4080 जूल, यहां रखेंगे तो कितना आ गया 4.4800 आएगा, 4800 जूल, मतलब 4.8 किलो जूल आएगा इसका रिजल्ट, 4.8 किलो जूल। तो कौन सा आंसर आएगा, ये फोर्थ, 4.8 किलो जूल ये बन जाएगा इसका रिजल्ट सॉल्व करने पे। ओके चलो अब आते हैं इस पे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए जरा यहां पे कह रहा है पार्टिकल है, इसका मास m है, ये v इज इक्वल टू 3√2 वेलोसिटी से x o y प्लेन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है और इस लाइन के अलोंग y इज इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है। हमें निकालना है इसका एंगुलर मोमेंटम रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। देखिए इस तरह से यहां पे इस लाइन की इक्वेशन देखें, y इज इक्वल टू x प्लस 4, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो ये लाइन देखो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y अक्षपथ खंड कितना है 4 है, मतलब ये लंबाई आपको दे रखी है 4, ठीक है, और ये लेंथ है, इस तरह से ग्राफ है, इस ग्राफ पे पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, इस लाइन पे पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस तरह से पार्टिकल मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है। तो इसका मोमेंटम देखें, p इज इक्वल टू क्या होगा m इंटू वी, ये इसका मोमेंटम है, ठीक है। और ये एंगल बच्चों 45 डिग्री, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c आप देखेंगे तो इसका स्लोप है, स्लोप कितना आएगा 1, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा 45 डिग्री, ठीक है, तो थीटा 45 डिग्री, तो यहां से ये एंगल भी 45 डिग्री। अब यहां से बेटा इसका हम कंपाउंड करें इधर p परपेंडिकुलर, ठीक है, इस r के, ये तो r हो गया r, तो r इसके परपेंडिकुलर p कितना है, इधर कंपाउंड करोगे तो आएगा एम वी कॉस 45, कॉस 45 मीन्स 1/√2, ठीक है, ये हो गया पी परपेंडिकुलर। अब आपको इसके सापेक्ष जे निकालना है, इस ओरिजिन के सापेक्ष, तो जे इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आर इंटू पी परपेंडिकुलर, आर इंटू पी परपेंडिकुलर, आर तो यहां पे 4 रख दो, पी परपेंडिकुलर कितना है एम वी अपॉन रूट टू, ठीक है, एम वी अपॉन रूट टू ये रख देंगे। अब यहां पे आपको उनकी वैल्यूज दे रखी है, ठीक है, तो आप इसको रख दो वैल्यूज को, तो सॉल्व करने बन जाएगा 60 यूनिट, ठीक है, यहां रखेंगे इसको, ये आ जाएगा आंसर 60, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसमें यहां पे आपसे कह रहा है कि लिथियम परमाणु की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग v है, ठीक है, तो आप बताना है कि फिफ्थ ऑर्बिट में क्या होगी इसकी वेलोसिटी, ये बतानी है। तो आप जानते हैं बेटा वेलोसिटी वी इज प्रोपोर्शनल टू, वी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/n, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/n होता है, ठीक है, तो हमें फिफ्थ ऑर्बिट की निकालनी है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये 3/5 times of v, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। ओके चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 3 मिनट, ठीक है, इसका इनिशियल मास आपको 16 ग्राम दे रखा है, तो आफ्टर 15 मिनट क्या बचेगा मास, ये बताना है। तो देखिए ये m इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला, m इज इक्वल टू m0/2T, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम के साथ जो रिलेशन ही होता है। अब m नॉट मतलब इनिशियल एक्टिव मास कितना है 16 ग्राम, इसका इनिशियल एक्टिव मास है, अपॉन 2 पावर टाइम कितना गिवन है 15 मिनट, एंड हाफ लाइफ कितनी रखी है यहाँ पे, हाफ लाइफ 3 मिनट है, ठीक है, तो 16 ग्राम अपॉन कितना आएगा 2/5, अब 2/5 कितना होता है 32 होता है, तो 16/32, तो 16/32 कर दो, कितना जाएगा ये 0.5 ग्राम, यह जगह आंसर आ जाएगा, मतलब फर्स्ट। ओके चलो आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, डोनर इम्प्योरिटी रिजल्ट, अरे सिंपल क्वेश्चन है, डोनर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, दाता प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी किसमें होते हैं, मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में होते हैं। ओके चलो 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ये 2 पोलर्स हैं, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे क्रॉस कंडीशन में, आपसे कह रहा है कि किसी एक को अपन 60 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब परसेंटेज अमाउंट कितना से बाहर निकलेगा
लाइट का बताना है आपको, आपने पहले 90 डिग्री एंगल पे थे, एक को आपने 60 डिग्री से रोटेट कर दिया तो एंगल कितना बचा 30 डिग्री। मतलब अब जो टू पोलॉइड्स हैं, ठीक है, टू पोलॉइड्स हैं बच्चों, इन टू पोलॉइड्स में एंगल कितना है देखिए, मतलब इस तरह से यहां पर हम बात करें तो देखिए इस तरह से दो पोलॉइड है, अब इनमें एंगल कितना बोला बताओ 30 डिग्री, ठीक है, इस तरह से ये टू पोलॉइड्स हैं, ये इस तरह से न्यू कंडीशन में देखो रोटेट कर दिया है, तो यहां से इसमें अब यहां से आप देख सकते हैं ये जो एंगल है इसका एंगल कितना बचा 30 डिग्री, यहां से दोनों में एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है। अब यहां से बच्चों देखो ये इंटेंसिटी यहां से आई नॉट आई जो कि प्लेन लाइट थी, सॉरी नॉर्मल लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट, यहां से इसका पहले पोलराइजेशन हुआ, इंटेंसिटी कितनी आ गई आई नॉट बाई टू, फिर यहां पे इस जगह फाइनल इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं मेलस लॉ से, मेलस लॉ से आप देखोगे आई इज इक्वल टू कितना होता है, यहां से जो इस पे आने वाली इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू है इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा यहां पे कितना है 30 डिग्री, थीटा यहां पे 30 डिग्री रखेंगे 30 डिग्री ये लो। अब यहां पे देखिए हमें परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, तो परसेंटेज के लिए एक काम करें इसको 100 मान लेते थोड़ी देर के लिए, सपोज ये 100 है, ठीक है ये 100 है तो यहां रखें इसमें तो 100 बाई 2 इंटू, अब कॉस 30 कितना होता है रूट 3 बाई 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बाई 4 हो जाएगा, ये तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 300 बाई 8, तो इसको 300 बाई 8 को सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 37.5, तो आ जाएगा रिजल्ट 37.5%, 37.5% ये आ जाएगा रिजल्ट, ओके। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 का 17 देखिए, क्वेश्चन 17 आपसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इंक्रीज देन एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, तो बेटा देखो एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज होती है एंगुलर विड्थ, तो जो एंगुलर विड्थ है एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू होता है एंगुलर विड्थ लैम्डा अपॉन डी, एंगुलर विड्थ लैम्डा अपॉन डी के इक्वल होती है लैम्डा अपॉन डी, तो यहां से अपन देख रहे हैं इसकी जो वैल्यू है लैम्डा अपॉन डी इज इक्वल टू नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल डी, ये कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, तो कैपिटल डी को आप चेंज करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे है, क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 में आपसे बोला गया कि एक पर्सन है, ठीक है, इसको मायोपिया है और मायोपिया इस तरह से कि ये 1.5 मीटर से ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता, तो हमें पावर ऑफ लेंस फाइंड करनी है, तो बच्चों मायोपिया के लिए आप जानते हैं पावर कैसे निकालते हैं 1/f करके, ठीक है, पावर इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला 1/f, ठीक है, एंड बच्चों यहां पे 1/f के साथ साथ माइनस 1/ ये बोल सकते हैं वाई या कोई वाई यहाँ पे जिसकी ये जो इसका फार पॉइंट है ना फार पॉइंट वाई है, ठीक है, ये वाई इसका फार पॉइंट है, फार पॉइंट कहाँ गया इसका बेटा, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, पावर इज इक्वल टू माइनस 1/y, वाई यहाँ पे फार पॉइंट है, वाई लिख लो या एक्स लिख लो, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 1/y, वाई कितना यहाँ पे 1.5 मीटर, तो यहाँ पे 1.5 मीटर रख के सोल्व करो 3/2 2/3 हो जाएगा, तो ये -0.67 डायोप्टर आ जाएगा रिजल्ट, ओके। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक के बहुत सारे चार्जेस हैं, ये सारे चार कॉर्नर पर रखे हैं स्क्वायर के और इसकी एवरी साइड 0.08 मीटर है, मतलब कुछ इस तरह से आपसे कह रहा है, देखिए ये यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है, इस तरह रखे हुए। अब यहाँ पे एवरी साइड आपको गिवन है, जैसे मान लो यहाँ पे बच्चों एवरी साइड ये ए है, एवरी साइड ए है, हमसे पूछा है पोटेंशियल निकालना है इसके सेंटर पे, ठीक है, इसके सेंटर पे आपको पोटेंशियल निकालना है, इस जगह निकालना है पोटेंशियल, तो बेटा ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस है, तो पूरी डिस्टेंस कितनी होगी रूट टू ए, उसका हाफ कर देंगे यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी आर इज इक्वल टू ए बाई रूट टू, रूट टू ए का हाफ करने पर ए बाई रूट टू हो जाएगा, ये ए बाई रूट टू, क्योंकि पूरी डिस्टेंस कितनी है रूट टू ए, ठीक है, रूट टू ए का हाफ करोगे तो ए बाई रूट टू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल ऐसे रखे हुए थे क्यू, अब इस ओ पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालोगे नेट वी ओ इज इक्वल टू, तो नेट वी ओ की वैल्यू क्या जाएगी चार पार्टिकल है, ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन आर ये अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो रख दो के क्यू पता ही आपको 9 × 10⁻⁹ होती है, क्यू आपको गिवन है आर, ये डिस्टेंस ए बाई रूट टू बनेगी, ए जहाँ पे इसकी वन साइड है, ठीक है, तो सॉल्व करके निकाल लो ये बन जाएगा 1500 √2 वोल्ट,
ठीक है, ये आ जाएगा ओके। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन 20 में आपको यहाँ पे गैलोमीटर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इसे हमें कन्वर्ट करना है एमीटर में। गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं शंट रेजिस्टेंस ऐसे उसे अप्लाई करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे शंट को। अब क्या कह रहा है आपको, ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, हमें इसको एक ऐसा मीटर में चेंज करना है जो 1 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। तो देखो बेटा, इसमें टोटल 30 डिविजन गिवन है एंड 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन के अकॉर्डिंग मेजरमेंट होता है। मीन्स 1 डिवीजन कितना मेजर करता है, 20 माइक्रो एम्पियर। तो इसमें टोटल 30 डिवीजन है, इन 30 डिवीजन से आप चेक कर सकते हैं इससे क्या निकल गया है, इसकी जो इनिशियल करंट रेंज है आईजी, इनिशियल करंट रेंज कितनी आएगी, 30 × 20 करेंगे कितना आ गया, 600 माइक्रो एम्पियर। मतलब इसकी इनिशियल करंट रेंज कितनी है, 600 माइक्रो एम्पियर है। इसे हमें यहां पे चेंज करना है 1 एम्पियर करंट रेंज में, ठीक है। अब तो यहां पे देखो, ये जो गैलोमीटर है जी, ठीक है, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां पे एस कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब यहां से देखो, इसमें जो करंट आ रही है ये कितनी आ रही है, 1 एम्पियर, हमें टोटल करंट 1 एम्पियर का बनाना है इसको। अब इसमें से करंट कितनी आएगी बेटा, 600 माइक्रो एम्पियर। 600 माइक्रो एम्पियर मतलब 6 × 10⁻⁴ एम्पियर इधर जाएगी, ठीक है। रिमेनिंग करंट जाएगी इधर, इस तरफ रिमेनिंग करंट यहां चल जाएगी 1 − 6 × 10⁻⁴ एम्पियर इधर जाएगी इस एस में। अब देखिए यहां बेटा, एस एंड जी दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, Vs इक्वल टू Vg। तो Vs क्या होता है, करंट इंटू एस। तो करंट कितनी है, 1 − 6 × 10⁻⁴, ये तो करंट है इस एस में, इंटू एस। वी इक्वल टू आई आर होता है ना, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस। और फिर जी, यहां पे करंट कितनी है, 6 × 10⁻⁴ इंटू जी। जी आपको गिवन है, कितना गिवन है जी, 25 ओम। मतलब ये जो गैलोमीटर है इसका रेजिस्टेंस 25 ओम गिवन है, ध्यान रख देंगे 25, ठीक है। अब बेटा 1 में से इसको माइनस करोगे तो ये बहुत वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है, 6 × 10⁻⁴, ठीक है, 1 के रेस्पेक्ट में वेरी स्मॉल है। तो ये नियरली क्या होगा, 1 ही होगा, ये नियरली 1 हो जाएगा। तो 1 × s इक्वल टू ये करेंगे तो ये 0.015, ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई कर लें 0.015, ये आएगा रेजिस्टेंस एस की वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट, बाय कनेक्ट रेजिस्टेंस 0.015 ओम इन पैरेलल, ओके पैरेलल, ठीक है। तो आ जाएगा इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 21 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है, पढ़िए। आपसे कह रहा है 2 इक्वल नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, माइनस क्यू, जो कि हमने 0.0a and 0-a ऑन वाई एक्सिस पे इनको सेट कर रखा है। देखिए इस तरह से, ये बच्चों ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पर, एक यहाँ पर है, ठीक है, क्यू क्यू है, माइनस क्यू ईच। अब यहाँ पे इसमें कैपिटल क्यू पॉजिटिव चार्ज को हम 2a, 0 से रिलीज कर रहे हैं। तो 2a, 0 यहाँ पे, ये 2a, 0 से रिलीज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी एक्स है, एक्स यहाँ पे 2a है, इस जगह 2a, ये डिस्टेंस ये a, ये डिस्टेंस भी a, ये आपको दे रखी है। अब बेटा जब इसको रिलीज करेंगे तो देखिए बेटा, ये जो q है यहाँ पे, ये माइनस क्यू इसको अपनी तरफ अटैक करेगा, ये अपनी तरफ अटैक करेगा एफ एफ से। तो इस पे जो नेट फोर्स आएगा किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा नेट फोर्स, एफ नेट आएगा इस डायरेक्शन में, एफ नेट। तो जैसे ही छोड़ेंगे ये इधर आएगा टूवर्ड्स ओरिजन, और इधर आएगा इस पे ओरिजन पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, पार कर जाएगा, इधर आएगा फिर अब यहां पहुंचेगा तो अट्रैक्शन तो इधर लग रहा है, तो वापस यहां इधर जाएगा तो रुकेगा, यहां पे आके रुकेगा फिर वापस इधर आएगा। तो इस तरह से ये लेफ्ट राइट ऑक्सीलेशन स्टार्ट कर देगा। हाँ, ऑक्सीलेशन होंगे, एसएचएम नहीं, क्यों नहीं होंगे एसएचएम, क्योंकि एसएचएम के लिए ये जो एक्स होता है वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ए, एक रेस्पेक्ट में एक्स वेरी स्मॉल होना चाहिए तभी यहां पे होता है एसएचएम। यहां पे तो एक्स इक्वल टू ए है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ओनली ऑक्सीलेशन। तो यहां पे क्या आएगा, एग्जीक्यूट ऑक्सीलेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका आंसर फोर्थ ये बन जाएगा इसका रिजल्ट, ओके। तो चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे, कह रहा है एक डायपोल इज रोटेटेड फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू एनी एंगल 60 डिग्री, वर्क डन इज W। तो चलो
किसी डायपोल को अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करना है, वर्क डन क्या होता है, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, तो पहले W जो आपको दे रखा है, W के लिए अपन अप्लाई करें PE cos थीटा 1, तो इनिशियल में तो एंगल 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों cos 0 तो क्या होता है 1, 1 में से 1 बाई 2 माइनस करेंगे तो 1 बाई 2 आएगा, तो कितना आएगा PE बाई 2 के इक्वल, या है वर्क डन। ठीक है, अब उसके बाद फिर आपसे कह रहा है कि इसको हमें फर्दर 120 डिग्री एंगल से रोटेट करना है, तो 60 पे तो बैठा हुआ है, 120 और रोटेट करना है तो नया एंगल कितना हो गया 180। तो अब W डैश निकालना है, तो W डैश इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 जो कि 60 डिग्री है माइनस cos थीटा 2 जो कि बन जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे देखिए PE की वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ W, इसको रख देते हैं ट्वाइस ऑफ W। ठीक है, यहां से निकालो PE इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ W, रख दिया ट्वाइस ऑफ W। अब यहां पे cos 60 कितना होता है हाफ, ओके, और एक cos 180 होता है माइनस 1, तो कितना हो गया 3 बाई 2, तो यहां से रखेंगे तो 3W आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, 3W ए इसका आंसर आएगा सेकंड। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन 23 आपसे कह रहा है द मासेस ऑफ थ्री वायर्स ऑफ कॉपर, कॉपर के थ्री पार्ट वायर है, इनका मास का रेशियो गिवन है 135 एंड लेंथ 531 गिवन है, आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के आपको रेशियो निकालने। तो बच्चों रेजिस्टेंस जो होता है आर इज प्रोपोर्शनल टू होता है एल स्क्वायर अपॉन एम, लेंथ एंड मास के साथ जो रिलेशन है इसका एल स्क्वायर अपॉन एम के अकॉर्डिंग होता है, तो यहां से रेशियो निकालेंगे इसके अंदर, तो एल स्क्वायर पर एल की वैल्यू रखें, एल कौन से 531 है, तो 5 स्क्वायर, ठीक है 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर रख दिया पहले मैंने एल को, फिर अपॉन में हमें मास रेशो पुट करना है, मास का रेशो कितना दे रखा है 135 135। ठीक है, ये 3 से 3 चाहो काट दो। अब बच्चों तीनों में हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 और ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 हो जाएगा, यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 15, यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1, तो 1 तो क्या गया आंसर इसका, फोर्थ आ गया इसका, ये 125 15 1। ओके चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 24, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड नॉन जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। देखो तो अगर आपने कैपेसिटर को इस तरह सेल से कनेक्ट किया है, इस तरह से सेल से अपन कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब इसकी अगर स्टडी स्टेट कंडीशन आ गई है, तो स्टडी स्टेट कंडीशन के टाइम पे यहां पे बन जानते हैं इसमें करंट क्या आती है, जीरो आती है, करंट जीरो इन स्टडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, स्थाई अवस्था में करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो करंट जीरो होती है, तो V इज इक्वल टू निकालेंगे, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर के अकॉर्डिंग आप देखें तो ई माइनस जीरो दैट इज ई। ठीक है, तो ई एम एफ क्या आएगा, ई के इक्वल आएगा वोल्टेज की वैल्यू, ई एम एफ ई के इक्वल होगा। ओके चलो आ गया है क्वेश्चन नंबर 25 पे, क्वेश्चन 25 हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है आपको। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखिए पहले बच्चों ये 6 एंड 12 दोनों क्या बना रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में इनका मल्टीप्लाई अपॉन सम करें, किसका 6 एंड 12 का मल्टीप्लाई अपॉन सम करिए, ये बनता है 4। ठीक है, फिर 4 इस वाले 4 के साथ क्या बनाएगा, पैरेलल, तो 4 एंड 4 का पैरेलल क्या हो गया 8, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, कितनी होगी 8 माइक्रोफेरड। अब ये 8 माइक्रोफेरड बच्चों इस वाले 8 के साथ बनाएगा सीरीज, तो सीरीज बनाएगा तो सीरीज के कारण इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 8 का हाफ कर दो कि सीरीज में हाफ हो जाएगी वैल्यू, तो क्या हो जाएगी 4, तो इस पूरे का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों 4, क्योंकि 8 एंड सीरीज में कनेक्टेड है, ये वैल्यू आ गई 4 माइक्रोफेरड। ठीक है, अब ये 4 है इस वाले 8 के साथ क्या बना रहा है, पैरेलल, मतलब वो 4 और ये 8, सॉरी 8 ये भी तो है, दो है 8 8 है, दो है। ठीक है, ये 8 एंड 8 दोनों बना रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, ये होगी 4 माइक्रोफेरड। अब देखिए बेटा ये जो 4 है और इधर का 4 है, दोनों क्या बनाएंगे आपस में, पैरेलल, तो 4 प्लस 4 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 हो गया 4 और ये 4 का 8, मतलब यहां से अपन बात करें इस पूरे की, तो यहां से इस पूरे का जो रिजल्टेंट आया, इस पूरे का रिजल्टेंट कितना आ गया 8 आ गया, ये 8 माइक्रोफेरड। अब बच्चों यहां पे इधर क्या बच गया, एक 8 और बच गया, ये 8 और 8 अब दोनों आएंगे सीरीज में, तो सीरीज में नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ कर दो 8 8 का हाफ कर देंगे कितना आएगा 4, तो आंसर आ जाएगा इसका 4 माइक्रोफेरड, ये थर्ड ऑप्शन। ओके
चलो अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26 पे। क्वेश्चन 26 आपसे कह रहा है कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, इसको हमने 100 वोल्ट तक चार्ज कर रखा है। अब इसकी प्लेट को हम एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं जिससे ये क्या होगा डिस्चार्ज होगा, तो इसकी पूरी जो अंदर स्टोर्ड एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी हाफ सीवी स्क्वायर पूरी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। अब हीट कितनी प्रोड्यूस होगी हाफ सीवी स्क्वायर, ठीक है, हीट इज इक्वल टू हाफ सीवी स्क्वायर ये प्रोड्यूस होगी। तो यहां पे रख दो वैल्यू हाफ सीवी स्क्वायर, निकाल लो आंसर। ओके चलो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्लिट्स ऑफ इक्वल विड्थ, वन स्लिट इज मेड ट्वाइस एट वाइड द अदर, देन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो देखो यहां पे जनरली अपन क्या करते हैं, दोनों विड्थ सेम लेते हैं जिससे दोनों इंटेंसिटी होती है आई नोट होती है, और सामने स्क्रीन पर जो आई मैक्स बनती है, आई मैक्स कितना आता है स्टार्टिंग में 4 आई नोट, ठीक है, और आई मिन कितना होता है 0, ये अपन जानते हैं। ठीक है अब आपसे कह रहा है कि हमने दोनों विड्थ सेम लेके एक विड्थ को डबल कर दिया है, अरे डबल कर दोगे तो उसकी इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगी, आई नोट से इंटेंसिटी क्या बन जाएगी 2 आई नोट। ठीक है तो अब यहां पे आई डैश मैक्स निकालोगे तो आई डैश मैक्स के लिए क्या रखेंगे, जो फॉर्मूला होता है ना रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू होल स्क्वायर, तो रूट ऑफ आई नॉट प्लस रूट ऑफ 2 आई नॉट का होल स्क्वायर आप करेंगे, तो होल स्क्वायर करने पे अब ये जो आई डैश मैक्स है बेटा ये आई डैश मैक्स ये आ जाएगा ग्रेटर देन आई मैक्स। ठीक है क्योंकि आई मैक्स के लिए यहां पे आपने आई नॉट रखा था पहले कि दोनों इंटेंसिटी आई नॉट थी, ठीक है, तो आई मैक्स 4 आई नॉट बन रहा था, अब आपने यहां पे 2 आई नॉट रखा तो आई डैश मैक्स की क्या होगी ज्यादा होगी। अब आई डैश मिन निकालेंगे तो आई डैश मिन के फॉर्मूले में यहां पे माइनस आता है रूट ऑफ आई नॉट माइनस रूट ऑफ 2 आई नॉट होल स्क्वायर। ठीक है इससे क्या होगा अब ये इसमें से इसको माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ रही नॉन जीरो आएगी, उसका स्क्वायर करेंगे मतलब क्या आएगी नॉन जीरो आएगी वैल्यू नॉन जीरो, तो नॉन जीरो इसका मतलब आई डैश मिन भी क्या है ग्रेटर देन आई मिन। तो हमने क्या देखा बेटा आई मैक्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई आई मिन की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, दोनों की दोनों इंक्रीज हो जाएंगे मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, द इंटेंसिटी ऑफ बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा इंक्रीज। ओके तो आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट 27 का। ओके देखिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को इसमें आपको एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर ग्राफ गिवन है। ठीक है तो उसमें चार स्टेटमेंट लिखे हैं, कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। तो ये बड़ा इसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बी एंड डी आर इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ठीक है इक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्या होते हैं जहां पे फोर्स जीरो होता है। ठीक है तो देखो बेटा यहां पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए एफ इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं माइनस डी यू अपॉन डी आर से। ठीक है तो जो जहां पे स्लोप मतलब ये क्या है बच्चों एफ इज इक्वल टू माइनस इनटू स्लोप तो जहां पे स्लोप जीरो है यू आर ग्राफ का जहां पे स्लोप जीरो है वहां पे फोर्स जीरो होगा उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो स्लोप जीरो कहां पर है सी पर और कहीं नहीं है स्लोप की। देखो सी पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना इससे टेंजेंट तो सी पे स्लोप जीरो आ रहा और कहीं नहीं आ रहा तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। सी कह रहा है सी इज ए पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है सी यहां पे इक्विलिब्रियम है सही बात है। अब स्टेबल क्या है देखिए पोटेंशियल एनर्जी सी पे न्यूनतम है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है उसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है इक्विलिब्रियम तो यही सही क्योंकि स्लोप जीरो आ रहा है और सी यहां पे ऐसा पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम तो सी करेक्ट है। उसके बाद द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स अट्रैक्टिव बिटवीन सी एंड डी बी एंड रिपल्सिव बिटवीन पॉइंट बी डी एंड ई ऑन कर्व। देखिए बेटा अब यहां पे हमें कर्वेचर के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पे देखो ये ए से लेकर सी तक हम देखें जो स्लोप आएगा क्या आएगा नेगेटिव क्योंकि कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ए से लेकर सी तक कहीं भी आप स्लोप अगर बनाएंगे तो नेगेटिव आएगा स्लोप तो स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स क्या जाएगा पॉजिटिव। ठीक है फोर्स पॉजिटिव से पहले फोर्थ वाले ऑप्शन चेक करें अपन फोर्स इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल रिपल्सिव बिटवीन सी एंड ए। देखिए सी से ए तक अपन देख रहे हैं स्लोप क्या रहा है स्लोप नेगेटिव तो यहां पे नेगेटिव स्लोप है तो यहां पे स्लोप नेगेटिव है तो माइनस इनटू नेगेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव तो फोर्स कैसा आया पॉजिटिव। पॉजिटिव फोर्स का मतलब क्या होता है रिपल्शन। ठीक है मतलब रिपल्शन
तो यहां से रिपल्शन एक्ट होगा, ठीक है। तो यहां पे इसमें यहां पे रिपल्सिव फोर्स ही बोला है, तो मतलब फोर्थ भी सही है। ऐसे ही थर्ड को चेक करेंगे, बिटवीन सी एंड बी, तो सी से बी तक के लिए तो रिपल्शन आ रहा है, या सी से बी तक के लिए अट्रैक्शन बोला है, झूठ बोल रहा है, ठीक है, गलत है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सेकंड एंड फोर्थ किस ऑप्शन में, थर्ड में, यह जाएगा इसका आंसर। ओके चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्या कह रहा है 29, देखिए इसमें आपसे कह रहा है कि अर्थ पर एक सेटेलाइट है, ठीक है, जो कि 2R रेडियस, अर्थ एक सेटेलाइट है 2R रेडियस ऑर्बिट मूव कर रहा है, इसको 3R वाली रेडियस ऑर्बिट के अंदर शिफ्ट करना है, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो वर्क मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड पूछ रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होती है, डेल्टा ई के इक्वल, ई रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड एनर्जी डेल्टा ई मतलब ई टू माइनस ई वन के इक्वल होती है। अब ई टू माइनस ई वन, ठीक है, ई टू माइनस ई वन तो क्या होता है, टोटल एनर्जी जी एम वन एम टू अपॉन टू आर, तो जी माइनस में जी एम एम अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, आर मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो फाइनल में कितनी है, 3R है ना, तो 3R रख दो, ठीक है। फिर इनिशियल में वापस ही लगा देंगे फॉर्मूला, माइनस जी एम एम अपॉन रेडियस ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितनी है, 2R है, ये रख देंगे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करके निकाल लो, तो उसको सॉल्व करके निकालोगे तो एम जी आर अपॉन 12 बन जाएगा रिजल्ट। ओके चलो आते हैं 29 के बाद 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30। ये आपसे कह रहा है कि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ आपको दे रखा है यहाँ पे। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी और टाइम में ग्राफ देखें, तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, टाइम है, या कहते हैं वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, मतलब वी इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ टी, ठीक है। और जो v वेलोसिटी के लिए हम जानते हैं v इज इक्वल टू होता है d, अब देखो यहां से अगर अपन को v निकल गया, a निकालना है, तो देखो a इज इक्वल टू क्या करेंगे, dv अपॉन dt, a इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। तो इसका करें अगर अपन डिफरेंशिएशन, तो यहां पे रूट t का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 1 अपॉन रूट t के फॉर्म में, ठीक है, ये 1 अपॉन रूट t के फॉर्म में आएगा डिफरेंशिएशन इसका, रूट t का डिफरेंशियल 1 अपॉन रूट टी फॉर्म में। तो यहां से अब एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, ए, एंड ए इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट टी, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। तो इसमें हाइपरबोलिक ग्राफ कौन सा है, देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नेगेटिव फॉर्म में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हाइपरबोला ही, तो यह जाएगा आंसर सेकेंड, ठीक है। चलो अब आते हैं 31 पे, 31 पे अपन देखें क्वेश्चन 31, अ गिटार स्ट्रिंग इज 90 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 124 हर्ट्ज, वेयर शुड इट बी प्रेस्ड टू प्रोड्यूस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 186 हर्ट्ज। देखिए बट यहां पे इस तरह से अपन जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करनी है, तो फंडामेंटल में कितने लूप बनते हैं, एक लूप बनता है इस तरह से, ठीक है, ये लेंथ L1 है, एक लूप बन रहा है फंडामेंटल में। अब कह रहा है कि अगर मैं एक लूप बनाना है तो एक और क्या कंडीशन हो सकती है, देखो लेंथ हमने थोड़ी छोटी कर दी, तब ये लेंथ L2 है, ये ऐसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनेगी इसके अंदर। तो बेटा इसके अंदर आपको देखो यहाँ पे इसके अंदर 90 सेंटीमीटर, L कितना है 90 सेंटीमीटर, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 124 हर्ट्ज, ठीक है, इसका N1 है 124 हर्ट्ज, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इस लेंथ L2 की वैल्यू क्या होगी, जब फ्रीक्वेंसी आपको कह रहा है L2 कितनी कर दी, L2 हो गई यहाँ पे 186 हर्ट्ज, ठीक है 186 हर्ट्ज, तो बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना, तो लेंथ कम हो गई, क्योंकि हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है, n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन L होता है, ठीक है, n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन L की आपको हेल्प लेनी है। तो यहाँ से L2 अपॉन L1 कर देंगे, तो L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, ठीक है, N1 अपॉन N2 कर दीजिए, L1 आपको कितना दे रखा है 90, तो L2 इज इक्वल टू L1 को उधर ले आओ, तो 90 सेंटीमीटर इंटू N1 अपॉन N2, N1 यहाँ पे 124 है, ठीक है, और ये कितना है 186, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखें 62 से डिवाइड करेंगे, 62 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो कितना आ गया बेटा ये, तो 30 over 60 आ गया, टोटल 60 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया आंसर, L2 60 सेंटीमीटर, सेकंड आंसर आ जाएगा इसका। ओके चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखिए 32 आपसे क्या कह रहा है, इसमें आपसे
क्या द इक्वेशन फॉर ए वेव ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन इज दिस, फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, हमें अधिकतम वेग निकालना है पार्टिकल का, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है अधिकतम वेग का मान, वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा, वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा, तो ए कितना यहाँ पे देखिए 3 सेंटीमीटर, ए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर रख दिया, ओमेगा, ओमेगा होता है टी का मल्टीप्लायर, टी का मल्टीप्लायर कितना है 314 सेकंड इनवर्स, ठीक है, तो यहाँ पे 314 सेकंड इनवर्स ये आ गया इसका रिजल्ट, क्लियर। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा रिजल्ट, कितना आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अच्छा इसको मीटर में निकाल लो तो क्या जाएगा रिजल्ट, देखिए तो देखिए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे कितना बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 ठीक है 42 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मीटर में चेंज कर लें तो कितना आ गया 100 का डिवाइड कर दो 9.42 मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, तो 9.42 मीटर पर सेकंड कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा थर्ड, तो 32 का थर्ड आंसर ये बन जाएगा। चलो अब आते हैं 33 पर, तो नेक्स्ट देखिए 33 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द प्रेशर इन लिक्विड ऑफ टू पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन आर इक्वल, ठीक है, कंसीडर द एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एंड कार एक्सेलरेटिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट इन, देखिए बेटा यहाँ पे इस तरह से एक एलिवेटर में लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट के अंदर आपने ये कोई कंटेनर रख दिया, इस तरह से ये कोई कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ये आपने कोई वाटर फिल कर दिया, इसके अंदर वाटर फिल है ये, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसको हम लिफ्ट को ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहे हैं, इस लिफ्ट को, तो इसके अंदर अब बेटा इस लिफ्ट के अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये कुछ पॉइंट्स हैं, देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं, एवरी पॉइंट पे सुडो फोर्स करा गया नीचे की तरफ इस तरह से, तो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सब पे सुडो फोर्स इस तरह से एक्ट हो रहा है, ठीक है, सुडो फोर्स, तो एवरी पार्टिकल पे प्रेशर क्या आएगा, सेम ही आएगा, एवरी पार्टिकल पे प्रेशर सेम आएगा, सब पे सेम लेवल के अकॉर्डिंग सुडो फोर्स लग रहा है। लेकिन बच्चों अब अगली कंडीशन जो है इसमें, नेक्स्ट कंडीशन में कार, ठीक है, कार के अंदर रखा है कंटेनर ये, इस तरह से कार के अंदर कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है, कार इस तरफ एक्सेलरेट हो रही है इस तरह से, तो अब इसके अंदर जो सुडो फोर्स एक्ट होंगे, देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कार एक्सेलरेट हो रही है हॉरिजॉन्टल रोड पे, अब देखिए यहाँ पे इसमें इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है यहाँ पे इसमें सब जगह सुडो फोर्स एक्ट होगा, सुडो फोर्स किधर गया, बैक साइड में, मतलब यहाँ पे अपन देखें एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे कुछ पॉइंट्स अपन ड्रॉ करेंगे, तो इन पे जो सुडो फोर्स एक्ट होगा अब इधर से लगेगा, इस तरफ सुडो फोर्स एक्ट होगा, तो सारे पार्टिकल इधर वाले पार्टिकल्स को प्रेस करेंगे, दबाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फोर्स ज्यादा आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा, मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर आएगा इस जगह मिनिमम, ठीक है, पी इज इक्वल टू मिनिमम, तो यहाँ पे सब जगह प्रेशर सेम नहीं आ रहा, यहाँ पे तो सब जगह प्रेशर क्या आ रहा है, सेम, लेकिन यहाँ पे इस जगह प्रेशर जो है इस तरफ लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर सबसे ग्रेटेस्ट आएगा, ठीक है, तो ये चीज़ बनेगी। तो ये स्टेटमेंट केवल किसके लिए करेक्ट आ रहा है, ये आ रहा केवल एलिवेटर के लिए, केवल लिफ्ट के लिए, ठीक है, ये स्टेटमेंट लिफ्ट के लिए करेक्ट है, जो कि अपवर्ड एक्सेट हो रही है उसी में हॉरिजॉन्टल लेवल पर सब जगह प्रेशर सेम आएगा सुडो फोर्स की वजह से, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, यहाँ पे आप कह रहा है स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर स्ट्रेच थ्रू 2 mm द क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, कैलकुलेट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो बेटा देखो कोई भी इलास्टिक वायर ही अपने आप में एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है, और उसके लिए अपन जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो पहले यहाँ पे के तो देखें क्या होता है, देखिए के की वैल्यू, वैल्यू ऑफ के, के इज इक्वल टू क्या होता है वाई ए अपॉन एल के इक्वल, के इज इक्वल टू वाई ए अपॉन होता है वायर के लिए स्प्रिंग कॉन्स्टेंट वाई ए अपॉन एल, तो वाई यहाँ पे गिवन है 2 × 10^11 ये रख दिया, एरिया कितना गिवन है यहाँ पे, ये गिवन है एरिया 4 mm² मतलब 4 × 10^-6 m², ठीक है, एंड लेंथ कितनी गिवन है 2 मीटर, तो 2 रख देंगे तो 2 से 2 कट गया, कितना गया 4 × 10^5, ठीक है, ये आ गया के की वैल्यू 4 × 10^5 ये बन जाएगा रिजल्ट। अब देखिए उसके बाद फिर आगे यहाँ पे हम देखें हमें क्या निकालना है, U निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, U बराबर क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के तो यही सी 4 × 10^5, अब x मतलब जो उसको हमने स्ट्रेच किया है कितना स्ट्रेच किया है 2 mm मतलब 2 × 10^-3 आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, तो ये 2 से 2 काट दो कितना हो गया 4
इंटू टेन पावर टू, फोर इंटू टेन पावर टू, अच्छा स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो किया ही नहीं ना अपन ने, स्क्वायर तो करना है स्क्वायर, ठीक है। तो आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे ये टू, एक तो टू कट गया, फोर टू जा एट, तो ये हो गया एट इंटू टेन पावर माइनस वन, तो 0.8 जूल, मतलब फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। ओके ऐसे कर लेंगे। चलो अब आते हैं 35 सेक्शन ए का जो लास्ट क्वेश्चन है 35, इसको देखते हैं। आपसे कह रहे हैं कि पार्टिकल है 40 ग्राम का, ये कि एसएम एग्जिट कर रहा है, 2 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड गिवन है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है। तो आप जानते हो बेटा एसएम में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, ई टोटल की वैल्यू क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होती है हाफ के स्क्वायर के इक्वल। अब यहां पे जो एम है, एम तो एम है ही सी, ओमेगा रखते हैं ओमेगा, तो जो ओमेगा की जो वैल्यू होती है क्या होती है, ओमेगा वैल्यू के बाई एम के इक्वल, के बाई एम के इक्वल, यहां से इसको हमें रिप्लेस करना है। देखिए स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ओमेगा इज इक्वल टू के बाई एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ओमेगा रूट बता, रूट 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 लगाओ रूट आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम, ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम, ये रख दिया, इसका होल स्क्वायर करके यहाँ अब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस देखिए या इसको एक काम करें, ओमेगा यहाँ टाइम पीरियड गिवन है ना, ऐसे मत करो, आप इसको ऐसे करिए, इसके अंदर यहाँ पे इसमें ये देखो 1/2m, अब ओमेगा हम रखते हैं 2π/T रखते हैं, 2π/T ये रख रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम पीरियड की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टाइम पीरियड की इन्फॉर्मेशन देखो, एम दे रखा है, मास गिवन है 40 ग्राम, टाइम पीरियड गिवन है 0.2, मैकेनिकल का इसका एम्पलीट्यूड गिवन है 2 सेंटीमीटर। अब यहां रख के इसको सॉल्व कर लो, यहां सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा इसका 7.9 इंटू 10 पावर माइनस 3 जूल, ये बन जाएगा रिजल्ट, ठीक है। ये तो अपन ने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है, चलो अब आते हैं सेक्शन बी पर। तो देखिए सेक्शन बी इसका अपन देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब 36 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 आपसे कह रहा बच्चों इस तरह से ये वायर्स हैं, ठीक है, पहले स्ट्रेट वायर है, फिर ये चाप है, सेमी सर्किल है, मतलब फिर यहाँ पे इस अगेन स्ट्रेट वायर है, इन तीनों का हमें यहाँ पे इफेक्ट निकालना है, सेंटर पे क्या इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए ये जो फर्स्ट वायर है इसका इफेक्ट, ये जो लॉन्ग वायर दिख रहा है आपको, ठीक है, इसका देखो थंब को अंदर रखेंगे क्योंकि धारा अंदर जा रही है, ठीक है, थंब को अंदर रखेंगे, फिंगर्स को ओ की तरफ, तो यहाँ पे चपेट का आएगा नीचे की तरफ, तो इस वायर की वजह से जो फर्स्ट वायर दिख रहा है आपको, इस वायर की वजह से फील्ड की धारा है नीचे की तरफ, मतलब जेड एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब माइनस के कैप। ऐसे ही ये जो वायर है, ये वाला स्ट्रेट वायर, यहां से दो करंट बाहर निकल रही है एक्स एक्सिस की तरफ, तो अंगूठा बाहर की ओर रखेंगे, फिंगर्स को रखेंगे ओ की तरफ, तो उस पर चपेट की तरह नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस सेकंड वायर की वजह से भी, ये जो वायर स्ट्रेट वायर, इसकी वजह से भी क्या आ रहा है, माइनस के कैप। उसके बाद फिर ये जो सेमी सर्किल है, इनमें फिंगर घुमाएंगे इस तरह से सेमी सर्किल में, इस तरह से धारा के अनुसार अंगूठा किधर आएगा, अंदर की ओर, मतलब एक्स एक्सिस के पीछे की तरफ, तो ये थर्ड वायर है इसका इफेक्ट है माइनस आई कैप। तो अब यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में क्या जाएगा, बी ओ वैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे दो तो हाफ हाफ लॉन्ग वायर है, ठीक है, तो इस लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मी नॉट आई अपॉन 4πr, तो मी नॉट आई अपॉन 4πa, डायरेक्शन किधर की ओर है, माइनस के कैप की तरफ, ये माइनस के कैप लिख दिया अपन ने, ठीक है। ये तो आ गया किसका इफेक्ट, ये दोनों वायर का इफेक्ट दो से गुणा कर दिया ना मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें देखें सेमी सर्किल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कोई भी चाप, कोई भी एक आर्क है, एंगल अल्फा बना रहा होता है सेंटर पे, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है मी नॉट आई अल्फा अपॉन 4πr, आर डिस्टेंस रेडियस जो कि ए है यहाँ पे, और ये एंगल यहाँ पे डायरेक्शन माइनस आई कैप। अच्छा बटो यहाँ पे जो अल्फा आपको दिख रहा है, अल्फा एक सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल है अल्फा कितना है, पाई है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पाई है, तो यहाँ से हम देखें इस पाई से ये पाई आप कैंसिल कर दो, तो पाई से पाई कैंसिल कर दिया, चलो मत भी करो कैंसिल, तो भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा मैं कैंसिल। देखिए अब यहाँ पे इसमें सब में कॉमन क्या जाएगा, यहाँ पे आप देखते हैं मी नॉट आई
अपॉन 4 पाई a मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, मत करो सो, कैंसिल नहीं कर रहे कैंसिल, तो यहां पे मी नॉट i अपॉन 4 पाई है, तो यहां ब्रैकेट में कितना बचेगा, माइनस का 2 के कैप, ठीक है, और यहां क्या बचेगा, ये मी नॉट i अपॉन 4 पाई कॉमन ले लिया, तो पाई माइनस में पाई i कैप, याद है बेटा। अब देखिए, अब इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये तो मी नॉट i अपॉन 4 पाई a ही सही, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बनेगा, जो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड, यह आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 37। देखिए क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है, एक लार्ज ओपन टैंक है, बड़ा ओपन टैंक है, इसमें दो होल हो रखे दीवार पे, ठीक है, एक तो स्क्वायर होल है जिसकी साइड एल दे रखी, भुजा एल दे रखी है, ठीक है, और ये वाई डेप्थ पर है फ्रॉम टॉप, अदर इज एट सर्कुलर होल, दूसरा सर्कुलर होल है जो कि वाई 4y पे है, ठीक है, टैंक को अपने कंप्लीटली फिल कर लिया और आपसे कह रहा है कि दोनों से पर सेकंड वाटर सेम फ्लो हो रहा है, ठीक है, मतलब दोनों से पानी के बाहर निकल रहा है, उसकी आयतन मात्रा सेम है, मतलब उसकी रेट ऑफ फ्लोइंग सेम है, प्रवाह की दर सेम है, ये Q का मान सेम दिया हुआ है, ठीक है। अब जो अपन जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू वी, मतलब A1 V1, तो देखिए Q 1 इज इक्वल टू आपको Q2 गिवन है, और Q होता है A1 V1 और Q2 हो जाएगा A2 V2, ये रख दिया। अब A, पहला वाला जो होल है वो क्या बेटा, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर, ये रख दिया। वेलोसिटी √2gh करते हैं, वेलोसिटी √2gh h मतलब इसकी डेप्थ जो कितनी है, कितनी है वाई, ठीक है, जो ये डेप्थ वाई है इसकी, ठीक है, वाई डेप्थ साइड एल वाले की, तो इसका h ये रख दिया वाई, इज इक्वल टू, अब A2 सर्कुलर होल है, सर्कुलर होल के लिए एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये रख दिया पाई आर स्क्वायर, ओके। V2 रूट ऑफ 2gh, h कितना रखा है यहाँ पे, 4y, ओके, 4y रखा है तो 4y रख दो, 4y ये रख देंगे, बस हो गया सॉल्व, तो यहां से सॉल्व करके निकाल लो, तो यहां से आंसर आ जाएगा l अपॉन 2 पाई वैल्यू ऑफ r, ठीक है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, देखिए 38 का, अगर आपसे 38 में ऑब्जेक्ट इज कूल्ड फ्रॉम 75 to 65, बोला एक तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ये, न्यूटन की शीतलन की जो पढ़ते हैं, क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मिनट में इसका टेम्परेचर 30 तक पहुंच जाता है, नहीं रूम टेम्परेचर 30 है, 75 से 65 आने में 2 मिनट लग रहे हैं, तो आपसे कह रहा है कि 55 से 45 तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको निकालना है। तो यहां से देखिए, इसमें अपन समझे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला होता है, पता ही आपको क्या होता है, T1 माइनस T2 अपॉन टाइम इज इक्वल टू सी T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0, ये होता है। तो ये इक्वेशन लगा रहे हैं, तो पहले 75 से 65 लगाएंगे, तो T1 माइनस T2 करिए कितना आएगा, 10 अपॉन में टाइम कितना रखा है 2, ये रख दिया, इज इक्वल टू सी T1 प्लस T2 बाई 2 करोगे इसका एवरेज, मतलब T1 प्लस T2 बाई 2 करेंगे कितना आएगा 70, और ये T0 कितना है, रूम टेम्परेचर 30 है, ठीक है। तो यहां से ये तो आया 5, ये कितना है, कितना आएगा 40, ठीक है 40C, तो यहां से C इज इक्वल टू कितना बन गया, C इज इक्वल टू आ गया बेटा 1/8, ठीक है। अब दोबारा इक्वेशन लगा रहे हैं T1 माइनस T2, अब सेकंड वाली कंडीशन के लिए 55 से 45 तक के लिए, ठीक है, ये लगाते हैं, तो T1 माइनस T2 करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, अभी 10 टाइम हमें निकालना है, ठीक है, C कितना आ गया, इस फॉर्म C रख दो 1/8, C को 1/8 रख दिया, T1 प्लस T2 बाई 2 करेंगे तो 55 एंड 45 का सम करिए, डिवाइड 2 करिए 50 आएगा, माइनस T0 कितना है 30 है, 30 रख दिया, ठीक है। तो यहां से कितना है बेटा 20 बाई 8 ये आ गया, ठीक है, तो यहां से ये लो, ये 2 टाइम्स कट गया, ठीक है, तो C की वैल्यू क्या जाएगी 4 आएगी, 8/2 मतलब 4 हो जाएगी, तो 4 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, टाइम कुल हो जाएगी 8/2 इज 4 मिनट, ओके। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 39 पे, 39 क्या है, 39 आपसे कह रहा है कि एक स्ट्रिंग की हेल्प से, ठीक है, डोरी से अपन एक पत्थर घुमा रहे हैं और ये एल लेंथ की लंबाई इसी डोरी की वर्टिकल सर्किल में, आपने इसको स्पीड लोएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड यू दी है, तो यू कह रहा है आपसे इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है, यहां बेटा इस जगह यहां पे आपने इसकी स्पीड आपको उसको कितनी दी, यू स्पीड दी, ये इसकी लेंथ एल है, तो यहां पे ऊपर जाएगा, जब यहां पहुंचेगा इसकी स्पीड
यहां पे इसकी वी होगी, ठीक है, इसकी स्पीड वी होगी। तो वी इज इक्वल टू अपन निकालते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से, तो स्पीड क्या आएगी, यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, वी इज इक्वल टू रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस टू जी एच कर देंगे तो टू जी एच, एच कितना एल, ये तो अपन इसकी स्पीड निकाल ली इस जगह, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से। अब हमसे पूछा चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, चेंज इन वेलोसिटी बेटा डेल्टा वी आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी देखिए यहां पे बेटा यू एंड वी जो है, वी परपेंडिकुलर यू है, दोनों में एंगल कितना है 90, तो जब भी टू वेक्टर्स में एंगल 90 होता है तो चेंज इन वेक्टर के लिए क्या बनता है फॉर्मूला, वी वन स्क्वायर प्लस रूट के अंदर वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस 2v1v2 cos थीटा, लेकिन थीटा ही 90 है तो माइनस 2v1v2 तो जीरो हो गया, क्या बचेगा रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर मतलब u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे रख देंगे v स्क्वायर की वैल्यू, यहां से v स्क्वायर रख दो तो u स्क्वायर माइनस 2gl, तो क्या हो गया 2u स्क्वायर हो गया, ये तो 2 कॉमन ले लोगे तो u स्क्वायर माइनस gl मतलब क्या आएगा इसका आंसर 4th, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे। देखिए क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन बाय, ठीक है ये पी का फॉर्मूला है, तो द क्वांटिटी विच ब्रिंग्स इन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन पी, तो पी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर के लिए जिम्मेदार कौन है ये बताना है। तो देखिए जिस पे पावर सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा पावर किस पे आ रही है, सी पे, सी पे सबसे ग्रेटेस्ट पावर आ रही है, माइनस ए प्लस ए वो देखना, खाली आपको मैग्नीट्यूड चेक करना है, सबसे ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे सी पर है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, सी आ जाएगा, सी का इफेक्ट नहीं आप सुधार पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन 41 पे। क्वेश्चन 41 अब से कह रहा है कि एक पार्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल सर्किल के अंदर, जो एक कॉनिकल सर्किल इन्वर्टेड कोन उल्टा शंकु है उसके अंदर घूम रहा है पार्टिकल। देखिए इस तरह से एक शंकु है, इसमें यहां पे एक पार्टिकल बच्चों इस तरह से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है इस जगह, ठीक है, इस तरह सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल यहां पे घूम रहा है इस जगह, यहां पे इस जगह। और आप जानते बच्चों सभी सर्किल के अंदर कोई पार्टिकल घूम रहा होता है तो इसकी स्पीड जो v होती है, ठीक है, इसकी स्पीड v और ये एंगल थीटा होता है, एंगल थीटा, ये इसकी रेडियस r, पाथ की रेडियस r और ये हाइट h। तो इसमें tan थीटा इज इक्वल टू अपन फाइंड करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है rg अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। इन्वर्टेड कोन के अंदर जो आप वेलोसिटी निकालते हो ना क्या होती है, tan थीटा इज इक्वल टू rg अपॉन v स्क्वायर, एंगल बनता है इन्वर्टेड कोन में। अब tan थीटा हम यहां से निकाल रहे हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा r अपॉन h, तो यहां से इसको r अपॉन h रख दो, tan थीटा वो r अपॉन h rg अपॉन v स्क्वायर, तो यहां से r से r कट जाएगा, तो यहां से v इज इक्वल टू क्या बना रूट ऑफ gh, v इज इक्वल टू रूट ऑफ gh, तो g तो कितना होता है 9.8 होता है, 9.8 रख देंगे। अब h आपको दिया है कितना, h दिया है इसके अंदर ये 9.8 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में चेंज करके लिखना, तो 9.8 अपॉन 100 येलो, तो क्या जाएगा डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 9.8 बाहर आ गया, 100 का 10 बाहर आ गया, ठीक है 10 बाहर, तो 0.98 बन जाएगा रिजल्ट, 0.98 मीटर पर सेकंड, क्लियर। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 42 पे। 42 में आपसे कह रहा है फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इक्वल है, दोनों की एनर्जी ई है, हमें लैम्डा फोटोन एंड लैम्डा इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखिए फोटोन की जो ऊर्जा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उससे निकल जाएगी, बट जो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो किससे निकलती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ से, मतलब मैटर वेव में पढ़ते हैं ना अपन वो। देखिए अब यहां से फोटोन की बात करें, फोटोन की जो एनर्जी होती है पीएच क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा होती है फोटोन की एनर्जी, तो ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें तो उसके लिए अपन जानते हैं फोटो इसमें मैटर वेव में पढ़ते हैं लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है रूट टू एम ई, ये होता है एच अपॉन पी होता है ना, एच अपॉन पी मीन एच अपॉन रूट टू एम ई, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालेंगे कितनी आएगी, ई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू स्क्वायर करके निकालें, तो यहां से स्क्वायर करेंगे तो आएगा एच स्क्वायर अपॉन टू एम लैम्डा ई स्क्वायर, ठीक है। हमसे यहां पे लैम्डा का रेशो पूछ रहा है, अच्छा इसको स्क्वायर मत करिए, खाली लैम्डा का रेशो तो निकालना है, ठीक है लैम्डा का रेशो निकालना है अपन को, तो यहां से इसको डिवाइड ही कर लेते हैं डायरेक्ट ही, ठीक है। अच्छा देखो यहां से बेटा लैम्डा फोटोन निकालोगे तो लैम्डा फोटोन कितना आएगा, लैम्डा फोटोन एच सी अपॉन ई, ठीक है फोटोन एनर्जी जो कि ई दे रखी है।
अब यहाँ पे चलो इसमें देखिए, चाहे पीएच मत भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई एनर्जी सेम है ना। यहाँ भी नीचे ईन लगा रहा अपन को, एनर्जी सेम दे रखी है, इसको ई रहने देते हैं, दोनों की एनर्जी ई ई है। तो यहां से इसका रेशो निकालोगे लैम्डा फोटोन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन, लैम्डा फोटोन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, फोटोन की वैल्यू तो कितनी एच सी अपॉन ई, ये रख दिया एच सी अपॉन ई, ठीक है, इंटू नीचे लैम्डा इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन वैल्यू एच अपॉन रूट टू एम ई है, ठीक है, ये रख दिया, तो एच से तो एच कट गया, ये लो काट दो, तो क्या आएगा ये सी अंडर रूट के अंदर टू एम अपॉन ई। तो कौन सा ऑप्शन है ये रूट के अंदर टू एम अपॉन ई वाला, तो ये आ जाएगा थर्ड, ठीक है, सी अंडर रूट के अंदर टू एम अपॉन ई ये बनेगा, ठीक है, आई बस में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, अगला क्वेश्चन 43 क्या कह रहा है 43 बच्चों, यहाँ पे आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये सर्किट दे रखा है। देखिए बच्चों अब यहाँ पे ये नहीं बताया कि किधर अपन लगा रहे हाई पोटेंशियल, ए पे लगा रहे या बी पे लगा रहे हाई पोटेंशियल, तो देखिए इस केस में अपन कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे बच्चों देखो एक बार ए पे लगाते हैं अपन हाई पोटेंशियल, देखो ए पे लगाया मैंने हाई पोटेंशियल, बी पे लगाया लो पोटेंशियल, ठीक है। तो इस केस में बच्चों यहाँ पे देखिए ये तो डायोड किस में आएगा, फॉरवर्ड बायस में, ये तो ऑन हो जाएगा, ये तो ऑन पथ की तरह बिहेव करेगा एज ए ऑन पथ, ठीक है, लेकिन ये किस में आएगा रिवर्स बायस में, ये तो किस में आया फॉरवर्ड में, ये आ रहा है फॉरवर्ड में, ये आ रहा है रिवर्स बायस में। अब रिवर्स बायस में तो इसमें करंट जाएगी नहीं, तो इसको यहां से हटा सकते हैं, इसमें करंट जाएगी नहीं तो हटाओ मान सकते हैं इसको, ठीक है, करंट जाएगी नहीं इसमें। अब बेटा देखो इसमें यहाँ पे ये अब ये सर्किट बना, इसमें ये दोनों क्या बनाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें तो करंट जा नहीं ना इधर, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना हो गया 9, ये आ गया 9 ओम। अब 9 ओम इस 2 के साथ क्या बनाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 9 का 2 के साथ करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 2 इंटू 9 अपॉन 2 प्लस 9, अभी जो वैल्यू आएगी उसके साथ ही आगे 4 बनाएगा सीरीज, तो प्लस 4 कर दें, तो ये तो आ गया 9, ये तो क्या 1.6 बन जाएगा प्लस 4, तो कितना है बेटा 5.6 ओम, ये तो है 5.6 ओम, ठीक है। अब अगली बार देखिए, अब की बार हम इसको मान लेते हैं माइनस, इधर वाले बोलते हैं प्लस नेक्स्ट कंडीशन में, तो इस केस में देखिए यहां पे ये प्लस ये आएगा फॉरवर्ड बायस में, तो ये तो कंडक्ट होगा ऑन पथ की तरह बिहेव करेगा, जबकि ये आएगा रिवर्स बायस में डायोड, रिवर्स बायस में क्योंकि माइनस इसके पी पे लग रहा है, तो इसमें करंट जाएगी नहीं, तो इसमें करंट जाएगी नहीं, इसको हटाओ पथ मान सकते हैं ही नहीं, यहाँ पे हटा दो इसको, अब इसको हटा देंगे तो देखिए इधर से ये दोनों क्या बना रहे हैं आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, ये तो आ गया 9 ओम। अब ये 9 ओम इस 8 ओम के साथ बनाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो 9 और 8 का बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 9 इंटू 8 अपॉन 9 प्लस 8 ही आएगा, ठीक है। फिर जो वैल्यू आई उसके साथ इधर ये 4 ओम बना रहा है सीरीज, तो वैल्यू ऐड कर देंगे 4 इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो ये 4 प्लस इसको करोगे सॉल्व तो ये 4.2 आएगा, तो 4 प्लस 4.2 कितना हो गया 8.2 ओम, तो दोनों ही आंसर पॉसिबल है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा फोर्थ, ये टिक करेंगे अपन क्योंकि दोनों ही आंसर पॉसिबल है, क्योंकि बताया थोड़ा किधर हाई पोटेंशियल है किधर लो पोटेंशियल है, ठीक है। चलो 44 आए अगले क्वेश्चन पे, 44 में आपसे क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पे आपसे कह रहा है स्विच को अगर अपन क्लोज करेंगे तो यहाँ से कितनी करंट फ्लो होगी हमें निकालनी है, तो देखो बेटा इसको ऑन करते हैं अपन, ये लो इसको ऑन कर दिया। अब ऑन करने पे यहाँ पे जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे हमें KCL का यूज करना पड़ेगा, जैसे मान लिया मैंने इधर से करंट आ रही है I1, इधर से आ रही है I2, इधर से आ रही है I3, ठीक है I3। अब बेटा यहाँ पे सेंटर पे अपन मान लेते हैं सपोज ये वोल्टेज है इस पॉइंट पर, ये है X वोल्ट, कितना है बेटा X वोल्ट वोल्टेज है सेंटर पे। अब यहाँ पे KCL अपन को जानते हैं, KCL किस लगाते हैं किरचॉफ करंट लो, इसमें सिग्मा आई को अपन को जीरो करना होता है, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो ये करना है आपको, ठीक है। अब I1 इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे कितना वोल्ट है बेटा ये जीरो वोल्ट है इस जगह, तो जीरो वोल्ट, तो क्या आएगा जीरो माइनस एक्स, I1 को रखेंगे जीरो माइनस एक्स अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 2 प्लस। अब I2 को रखेंगे, इस I2 वैल्यू 20 माइनस एक्स अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 ओम है। अब यहाँ पे आए तो 5 माइनस एक्स करेंगे
5 माइनस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। अब यहां से आप x निकालिए, सॉल्व करेंगे, x आएगा यहां से 9 वोल्ट के इक्वल, x आएगा 9 वोल्ट। अब यहां से x 9 वोल्ट आ गया, तो यहां से अपन देखें I1 पूछ रहा है आपसे, I1 तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, I1 की वैल्यू यहां पे 0 माइनस x बाई 2 करेंगे, तो यहां पे 0 माइनस x बाई 2 करें तो 0 माइनस x बाई 2, ठीक है, तो यहां पे x कितना है 9, तो 0 माइनस 9 बाई 2 करने पे कितना आ गया माइनस 4.5 एम्पियर, ठीक है, तो माइनस 4.5 एम्पियर आएगा ये। अब माइनस साइन क्या बता रहा है बेटा, माइनस साइन बता रहा है कि आपने जो करंट की डायरेक्शन ली ना इस तरफ ना होके करंट इस तरफ आएगी डाउन साइड में, और यहां पे मैग्नीट्यूड 4.5 किस में, फर्स्ट में, तो इसका आंसर है 4.5 एम्पियर। ओके चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन 45 आपसे क्या कह रहा है, तो पढ़िए इस क्वेश्चन को। तो बच्चों यहां पे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में आपसे कि पहले अपन S1 को क्लोज कर रहे हैं, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितनी है V1, तो देखो ओनली आप S1 को क्लोज करेंगे तो अभी यहां पे S2 मतलब 6 ओम में करंट जाएगी नहीं, करंट नहीं जाएगी तो 6 ओम को यहां से हटा, मान लो है ही नहीं यहां पे, ये ब्रांच है ही नहीं यहां पे, केवल यहां पे R एंड 3R है, ठीक है, केवल कौन है R एंड 3R, टोटल वोल्टेज कितना है यहां पे E, ये टोटल वोल्टेज E है, ठीक है, हमें निकालना है इसके अक्रॉस, क्योंकि यहां पे देखिए ये V3R के सिरों पे लग रहा है V1, ये निकालना है V1, तो V1 की वैल्यू क्या जाएगी, देखिए दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, वोल्टेज का होगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो वोल्टेज कर दें डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा कर दें, तो V इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, बच्चों वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेजिस्टेंस के अनुपात में होता है, रेजिस्टेंस के रेशियो में, तो V1 निकालेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस 3R आएगा ऊपर, तो 3R अपॉन R प्लस 3R कितना आ गया, ये 3/4 टाइम्स ऑफ E, ये आएगा V1 की वैल्यू 3/4 E आ गया। अगली बार बच्चों यहां पे इसमें क्या बोला इसने, ये तो V1 की वैल्यू, अगली बार आपसे कह रहा कि जब ओनली S2 को अपन क्लोज कर रहे हैं, अब बेटा अगली बार S2 को क्लोज करते हैं, S2 को क्लोज करोगे S1 को ऑफ कर देंगे तो इसमें करंट नहीं जाएगी, तो अब यहां पे कौन है R एंड 6R, तो अगली कंडीशन में R एंड 6R, अब हमें यहां पे 6R के सिरों पे निकालना है वोल्टेज V2, ठीक है, तो यहां पे वही टोटल तो E ही सही, तो यहां पे वापस वोल्टेज कर दें डिस्ट्रीब्यूशन, तो V2 निकालेंगे क्या आएगा टोटल E इंटू टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6R अपॉन R प्लस 6R, बेटा कितना हो गया बताइए, ये आएगा 6/7, 6E/7 ये बनेगा रिजल्ट, ठीक है, ये आ गया किसकी वैल्यू V2 की वैल्यू। अब अगली बार कह रहे आपसे कि दोनों को ही क्लोज कर रहे हैं, अब बेटा दोनों को एक साथ क्लोज करेंगे तो दोनों को एक साथ क्लोज करेंगे तो दोनों ही रेजिस्टेंस काम में आएंगे, ठीक है, 3R एंड 2R, इससे 3R एंड R दोनों काम आएंगे, तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा आपकी बार, अब क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा थर्ड कंडीशन में 2R, तो अब क्या देखिए यहां पे R एंड 2R के बारे में सोचें, ये R एंड ये 2R है, ठीक है, इसके सिरों पे निकालना है वोल्टेज, हमें V3 निकालना है, नेट E है, तो यहां से वही डिस्ट्रीब्यूशन करें V3 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज E है, ठीक है, 2R अपॉन R प्लस 2R करते हैं तो क्या बनता है रिजल्ट, ये रहता है 2/3 कितना आएगा, ये 2/3 इक्वल आएगा 2/3 E, तो अब देखिए बेटा यहां पे कौन सी वैल्यू ग्रेटर आ रही है सबसे सबसे बड़ी, जैसे इसको 3/4 करते हैं ये कितना होता है 0.75, ये तो आ गया 0.75 आ रहा है, ठीक है, 2/3 कितना होता है 0.66 के समथिंग, और यहाँ पे 6/7 करेंगे तो ये लगभग 0.8 के समथिंग हो जाएगा, 0.9 मान लो लगभग, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके अंदर ये 0.8 मान लो, तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू का नहीं V2 आ रही है, उससे थोड़ी छोटी कौन सी आ रही है V1, और सब छोटी ये वाली V3, तो कितना आएगा आंसर, ये V2 ग्रेटर देन V1 ग्रेटर देन V3 ये आएगा रिजल्ट। ओके काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन 46, बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी u, u वेलोसिटी ऊपर फेंका आपने, पासेस थ्रू ए सर्टेन पॉइंट अबव ग्राउंड आफ्टर t1, ठीक है, दो क्या कह रहा है आपसे इस तरह से, यहां पे आपने बॉडी को ऊपर फेंका ये, ठीक है, यहां से अपन बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं, अब बच्चों यहां पे देखिए अपन जानते हैं जब नीचे पहुंचती है किस टाइम पे नीचे पहुंचती है, टी बराबर कैपिटल टी पर, जिसका उड्डयन काल होता है ना टाइम ऑफ फ्लाइट, टी बराबर टी पर, जिसकी वैल्यू क्या होती है रूट ऑफ
टू यू अपॉन जी, ठीक है, रूट टी की वैल्यू जो होती है टू यू अपॉन जी होती है, ठीक है। तो यहां से टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी, ये होता है रिजल्ट, टाइम इज इक्वल टू टू यू अपॉन जी के इक्वल। अब देखिए आपसे कह रहा है कि एक सर्टेन हाइट पर टाइम टी वन, तो यहां पे सेम पॉइंट्स रिटर्न जर्नी, तो यहां से देखो इस जगह ये कोई टी वन पे यहां पहुंच रही है इस जगह, तो ये यहां पे क्या बोल रहा है, ये टी वन कौन सा टाइम है, ये वाला टाइम, यहां पे ये टाइम टी वन है, ठीक है, मीन्स यहां से यहां तक इसको जाने का टाइम टी वन है, ये टाइम टी वन, तो हम जानते हैं बेटा जैसे ऊपर जाने का होगा वैसे आने का भी टाइम होगा, तो यहां से तक का टाइम, यहां से तक का टाइम ये क्या होगा, ये भी टी वन टाइम होगा। अब आपसे कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, हमें यहां से लेकर यहां तक जो जा रही है दोबारा ये कितने टाइम बाद यहां पहुंचेगी, ये निकालना है टाइम, ये वाला डॉटेड वाला टाइम, मतलब यहां से यहां जाने का टाइम। तो देखिए आप देखिए पूरा टाइम कितना लग रहा है इसको, कैपिटल टी, तो यहां से हम ये निकालेंगे ना यहां से तक का टाइम ए, और ये बी जो लिख दूं मैं, तो टी ए बी निकालना है ए से बी तक का टाइम, तो टोटल टाइम में से हम कौन सा माइनस कर दें, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम माइनस कर दें, जो कि टू टी वन हो जाएगा माइनस करने पर, ठीक है। अब टी और रख दो टू यू अपॉन जी, तो इसको टू यू अपॉन जी रख देंगे माइनस टू टी वन, तो टू कॉमन निकाल लो, तो बेटा टू कॉमन निकाल लेंगे तो क्या जाएगा, यू अपॉन जी माइनस टी वन, तो आ जाएगा रिजल्ट, सेकेंड आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब आए देखो अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है जिसका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ही गिवन है आपको, हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर, मतलब ये इस पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो बेटा देखो आप एक चीज जानते हैं a इज इक्वल टू होता है v dv अपॉन ds, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 4, dv अपॉन ds का मतलब स्लोप, मतलब v और x बता रहा है स्लोप को बता रहा है, ठीक है, स्लोप स्लोप बच्चों क्या होगा tan थीटा, स्लोप tan थीटा। अब यहां पे ये नेगेटिव लाइन आ रही है स्लोप, देखो इस जगह ये नेगेटिव स्लोप है, मतलब माइनस टेन सिक्सटी आएगा, ये स्लोप यहां पे नेगेटिव है, ठीक है, तो माइनस टेन सिक्सटी कर दिया, तो टेन सिक्सटी रूट थ्री होता है, तो क्या जाएगा माइनस फोर रूट थ्री, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, टेन सिक्सटी रूट थ्री रखेंगे तो माइनस फोर रूट थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। चलो 48 पे आए, अगला क्वेश्चन 48 ये रहा, आपसे कह रहा हूं एक मार्बल स्फीयर है, ठीक है, और एक क्यूब है, दोनों के मास सेम है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मार्बल रोल्स डाउन और रफ क्रैम्प, मतलब मार्बल जो है मतलब एक स्फीयर है वो तो यहाँ पे एक रफ प्लेन पे मोशन कर रहा है, मतलब रोलिंग मोशन करेगा, ठीक है, और जो क्यूब है वो एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पे फिसलते हुए नीचे आ रहा है, दोनों की हाइट सेम है, तो वो इस तरह से आपसे कह रहा बच्चों यहाँ पे ये हाइट ये एच है, यहाँ से ये स्फीयर रोलिंग करता हुआ नीचे आ रहा है, ये नीचे आएगा, तो यहाँ नीचे पहुंचने पर जो इसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, ठीक है, इसकी वी वन की वैल्यू क्या होती है, इसकी v1 कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ 2gh, ठीक है, रूट ऑफ 2gh 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये होती है वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड के, अच्छा यहाँ पे वैल्यू रख भी रहे हैं तो साथ में देखो क्या होगा, रूट 2gh k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, स्फीयर के लिए k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर क्या होता है 2/5, ये रख दोगे 2/5, तो नीचे क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा, 1 प्लस 2/5 करेंगे नीचे जाएगा 7/5, ये लो इसको मैं डिलीट करके नीचे लिखता हूँ 7/5, तो रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा 7/5 हो जाएगा ये इस जगह, ठीक है। और यहाँ पे अगले डायग्राम में कह रहा है कि यहाँ पे हाइट सेम है लेकिन अब क्या क्यूब है ये फिसलता हुआ नीचे आ रहा है, अब फिसलता हुआ नीचे आएगा तो यहाँ पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी है वी टू, ये वी टू की वैल्यू क्या होगी, वी टू इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, रूट ऑफ 2gh ये आएगी इसकी वेलोसिटी, तो यहां से हम इसका रेशो पूछ रहा है कि v1 अपॉन v2 कितना होगा, तो v1 अपॉन v2 निकालेंगे, अच्छा पहले क्या बोला इसने, रेशो ऑफ क्यूब टू द मार्बल, मतलब पहले क्यूब बोला है बाद में इसने मार्बल बोला है, मतलब v2 अपॉन v1 निकालना है, v2 अपॉन v1, ठीक है, तो यहां पे v2 अपॉन v1 निकालना है, पहले क्यूब फिर बाद में मार्बल बोला है, तो v2 अपॉन v1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, v2 पहले तो क्यूब है, ठीक है, और बाद में यहां पे मार्बल, तो v2 अपॉन v1 क्यूब अपॉन इसका निकालेंगे तो क्या बनता है, देखिए तो देखिए बच्चों क्या बनता है, यहां से रिजल्ट v2 अपॉन v1 निकाल रहे हैं तो यहां से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा रूट ऑफ 7 अपॉन रूट ऑफ 5, कौन सा ऑप्शन दे रखा है ये सेकंड में,
तो इसका आंसर आएगा सेकंड, ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अ क्यूब ऑफ आइस फ्लोट्स पार्शियली इन वाटर एंड पार्शियली इन ऑयल। मतलब इस तरह से यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर एक आइस का ब्लॉक है, वो तैर रहा है, ठीक है, इस तरह से ये कंडीशन बता रखी है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर ये जो आइस की फ्लोटिंग हो रही है, आइस की आपको डेंसिटी कितनी बता रही है, आइस की डेंसिटी यहाँ पे 0.9 है, इसकी डेंसिटी बच्चों 0.9 है, आइस की डेंसिटी 0.9 ये बता रखी है, 0.9, ठीक है। और वाटर तो फिर अपन जानते ही हैं, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है, 1.0 वाटर डेंसिटी, 1.0 के नीचे वाटर होगा ही सही, ये वाटर है 1.0, और ऊपर ऑयल है, ऑयल की डेंसिटी हमें कितनी रखी है 0.8। अब आपसे कह रहा है कि ये जो आइस फ्लोट कर रही है इसका इनमें रेशो कितना होगा, कितना अनुपात अंदर होगा और कितना बाहर होगा, पूछ रहा है आपसे। तो आप देखिए बेटा यहाँ पे ये 0.9, 0.8 और 1.0 ये जो वैल्यू है, ये डेंसिटी आपको देख रही है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड ऑफ 0.8 एंड 1, 0.8 एंड 1.0 का मिड पॉइंट है। तो एवरेज डेंसिटी, ये डेंसिटी है दोनों के ठीक मध्य में, तो डेंसिटी अगर मध्य में तो इसलिए ये जो रेशो आएंगे ये दोनों ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों की दोनों वॉल्यूम ये v/2 होंगे, इक्वल इक्वल होंगे वॉल्यूम, तो इसलिए अनुपात क्या जाएगा, 1:1, ठीक है, तो 1:1 ये इसका अनुपात आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में बन रहा है, इन दोनों के ठीक बीच में, तो जितना यहां पे डूबा होगा उतना यहां पे डूबा होगा, दोनों के वॉल्यूम सेम आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 पे है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 50, लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। द लेफ्ट ब्लॉक कोलाइड्स इन इलास्टिकली विद रिजिड ब्लॉक। तो यहां से देखिए ये स्पेयर है, यहां पे से टकरा रहा है, टकराने के बाद मान लो उसकी वेलोसिटी हो गई है v डैश हो गई, तो यहां से हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाए, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से आप देखते हैं क्या होती है, यहां पे m इंटू वी प्लस 0, अब इस पे अटैच हो गया, इसका टोटल मास क्या हो जाएगा 2m, अटैच हो जाएगा, मास हो गया 2m इंटू वी डैश, तो बेटा ये वी डैश इज इक्वल टू कितना v/2, ये क्या आएगी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या बन जाएगा मास, ये m प्लस m हो जाएगा ना, m प्लस m 2m, ठीक है, इसकी v डैश यह हो गई, ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी v डैश, ठीक है, ये किसको शो कर रही है, v डैश मैक्सिमम वेलोसिटी को शो कर रही है, क्योंकि यहीं से ये अपनी मोशन स्टार्ट करेगा। अब v max, SM में अपन जानते हैं बेटा v max इक्वल टू क्या होता है, a ओमेगा, v max इक्वल टू होता है a ओमेगा, हमें इसका एम्पलीट्यूड निकालना है। अब v max इक्वल टू a ओमेगा, तो v max को रख दो v/2, a हमें फाइंड करना है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ k/m, रूट ऑफ k/m। अब बच्चों m कितना है, जो मास 2m हो गया है, तो इसलिए 2m रखेंगे, मास 2m, ठीक है, मास 2m रखेंगे। अब यहां से हमें निकालना है a, वैल्यू ऑफ a निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ a कितनी आएगी, तो यहां से देख लो, यहां पे a फाइंड करेंगे, तो v अपॉन 2, और ये चल जाएगा रूट ऑफ 2m/k, ठीक है, तो यहां पे 2 से रूट 2 कटेगा, तो नीचे आएगा 2, तो यहां पे m अपॉन 2k इंटू वी, मतलब फर्स्ट आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है, तो ये फर्स्ट आंसर बनेगा। इस तरह से अपन ने बताओ ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आशा करता हूं पेपर आपका अच्छा गया होगा, ठीक है, दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे जाए तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है, हमें अपने आपसे कहा मानसिक संतुलन ठीक रखते हुए पेपर करना है। अब आपके 2 दिन बाद मेन एग्जाम आप देने जाएंगे, ठीक है, मुश्किल से आप देखिए, मतलब 2 दिन का 3 दिन बाद, 4 दिन बाद मान लो 17 को एग्जाम है, ठीक है, अब उसके बाद आप इस एग्जाम की आपने मेन सारी तैयारी कर ही चुके हैं, बस अब लास्ट में थोड़ा मानसिक और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें और फिर अच्छे से पेपर दें। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करिएगा, ओके।